टाइगर श्रॉफ की 300 करोड़ी गणपत में हुई अमिताभ बच्चन की एंट्री, निभाएंगे ये किरदार। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ इन दिनों उनकी अपकमिंग फिल्म गणपत की शूटिंग में व्यस्त है। गणपत टाइगर श्रॉफ के करियर की महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है, जिसके लिए वो काफी मेहनत कर रहे हैं। फिल्म गणपत में टाइगर श्रॉफ हॉलीवुड स्तर का एक्शन करते दिखेंगे, जिसे विकास बहल बनाएंगे। फिल्म गणपत से सामने आई ताजा रिपोर्ट की माने तो इसमें बॉलीवुड की शहनशाह की एंट्री हो गई है। अमिताभ बच्चन फिल्म गणपत में टाइगर श्रॉफ के गुरु का किरदार निभाएंगे, यह पहला मौका होगा जब बिग बी ने टाइगर श्रॉफ के साथ हाथ मिलाया है। ताजा रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ ने गणपत के लिए शूटिंग पूरी कर ली है। बिग बी गणपत में टाइगर के गुरु के रूप में दिखेंगे। फिल्म में बिग बी स्पेशल कैमियो होगा। टाइगर और बिग बी शूट किए गए सीक्वेंस को देखने के बाद काफी खुश हैं। दोनों को इस सीन से जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई है। फिल्म गणपत में स्पेशल कैमियो करने के अलावा बिग बी इसके लिए अपनी आवाज भी देंगे। वो फिल्म के कुछ खास सीन्स को अपनी आवाज देंगे। बिग बी कई नए अभिनेताओं की फिल्मों का हिस्सा है। इंडस्ट्री के निर्माता निर्देशक बिग बी को अपनी अपनी फिल्मों से जोड़कर उनका स्तर बढ़ाना चाहते हैं। कलाकार टाइगर श्रॉफ की हालिया रिलीज मूवी हीरोपंती 2 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है। फिल्म हीरोपंती 2 से दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन यह फिल्म उन सब पर खरी नहीं उतरी। फिल्म हीरोपंती 2 फ्लॉप होने के बाद टाइगर श्रॉफ ने ट्वीट करके निराशा भी व्यक्त की थी। टाइगर श्रॉफ इस जनरेशन के सबसे बड़े एक्शन स्टार है, जिस कारण वो अपनी एक्शन मूवी फ्लॉप होने की वजह से परेशान हो गए थे। हाँ, हार्ड है।